गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिज्म झाला कल का क्लास बहुत ही अति उत्तम था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं तो बोल रहा हूं आप मत समझो, बट पूछो दोबारा। और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि बाजू वाला बिल्डिंग टूटना स्टार्ट हो जाए, हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा है आपके लिए। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सी फिगर। कहाँ है भाई फिगर? आओ ये देखिए, सी फिगर। एक फिगर इस तरह से दिया हुआ है। कल भी क्वेश्चंस करेंगे, आज मैं आपको सॉल्व एग्जांपल समझा रहा हूं, कल अनसॉल्व एग्जांपल समझा दूंगा। एंगल ऑफ प्रिज्म देखिए 4 डिग्री दिया हुआ है, और जो इसका मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है फाइंड डिविएशन। छी छी छी, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है बेटा। हम जानते हैं कि लाइट जब ऐसे आएगा, इंसिडेंट लाइट रे को अगर प्रोड्यूस किया जाए, और लाइट जो ऐसा जा रहा है इमर्जेंट लाइट को अगर बैक प्रोड्यूस किया जाए, तो दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। और 4 डिग्री बहुत कम होता है बेटा। सॉल्यूशन क्या है इसका, समाधान क्या है? ए जो है वो 4 डिग्री दिया है, मतलब ये थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, जिसके लिए डिविएशन का फॉर्मूला है ए इंटू म्यू माइनस वन, दैट्स ऑल। तो ए कितना है 4, म्यू कितना है 3/2 माइनस वन, फिर आंसर इज 4 × 3/2 − 1 = 1/2, तो 2 डिग्री आंसर हो गया। एंगल ऑफ डिविएशन इज 2 डिग्री होगा बस। काफी इजी क्वेश्चन था, इसको आप लिखिए फिर भी। और चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फॉर अ प्रिज्म A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये थिन प्रिज्म नहीं है। फॉर अ प्रिज्म A जो है वो दिया है 60 डिग्री, और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √7/3। ओ माय गॉड, एकदम से चिल्लर क्वेश्चन से हम बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन में आ गए। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दैट लाइट रे रिफ्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड फर्स्ट सरफेस। अच्छा, लाइट रे इज Not refracted from second surface. Very important question. वो तो ठीक है, चलो A 60 दिया है and √7/3 दिया है। Find the maximum possible I, क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखना। मैं तुमको 3 डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, 1, 2, 3, ठीक है, और एक चौथा भी बना देता हूं। मान लो मैंने थोड़ा कम इंसिडेंट एंगल रखा, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, समझे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, और फिर यहां जब मैंने नॉर्मल बनाया ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया। अच्छी बात है, तो गौर से देखिएगा, ये आपका पहला सरफेस है, ये आपका दूसरा सरफेस है। दूसरा सरफेस पर इंसिडेंट एंगल ये वाला है ना, बिल्कुल सही सर। अब ये प्रिज्म में देखते हैं, हम इस बार थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा देंगे,
एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया तो रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगा पिछली बार से ज्यादा, आई बढ़ाने से आर भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा उससे ये एंगल भी बढ़ रहा है, ये एंगल भी बढ़ रहा है। चलो ठीक है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। याद रखिएगा ये डेंसर टू रेयरर है। चलिए थोड़ा सा नॉर्मल से और एंगल देते हैं इंसिडेंट को। ये देखिए इंसिडेंट एंगल मैंने और बढ़ाया और इस बार क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल तो मुड़ेगा ही लेकिन थोड़ा ज्यादा मुड़ेगा। आई बढ़ गया है तो ये वाला आर भी बढ़ेगा और उससे क्या हो रहा है, ये वाला एंगल भी बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। तो क्या होगा, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड द इंसिडेंट एंगल इज क्रिटिकल एंगल देन द लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ग्रेजेस द सरफेस। याद है क्रिटिकल एंगल, वेरी गुड। अब चलिए चौथा प्रिज्म का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा इंसिडेंट एंगल और बढ़ा देते हैं। तो अगर इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिए तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी और बढ़ जाएगा, है ना, और उससे ये एंगल और बढ़ जाएगा, दिस एंगल विल बी नाउ मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो अगर आपको पता है कि अगर इंसिडेंट एंगल वाइल मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इज मोर देन क्रिटिकल एंगल देन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल था, जिसके जिससे ज्यादा आप अगर और इंसिडेंट एंगल दीजिएगा तो लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल आई, यानी आई मैक्स बताइए, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल आई सो दैट लाइट रे इज नॉट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस में वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, उसी मीडियम में रिटर्न आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप आप समझ गए हैं। तो लेट्स सॉल्व। इसका मतलब दूसरे सरफेस पर जो इंसिडेंट एंगल होगा वो मुझे क्रिटिकल एंगल के बराबर करना होगा। तो ये मान लीजिए नॉर्मल ड्रॉ किया और ये मान लीजिए मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा और ये एंगल को मजबूरन क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा क्योंकि ये एंगल मैक्सिमम है। इससे ज्यादा अगर एंगल आप दिए यहां पे तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस एंगल पर अगर आप आए, इस एंगल पर अगर कोई लाइट रे आ रहा है एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल एंगल तो इट ग्रेजेस द सरफेस, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 90 डिग्री। चलिए इसका म्यू कितना है 7/3। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं एक चीज कैसे सॉल्व किया जाए। सुनिए ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर ओ है, तो याद रखिएगा इस सिचुएशन में ए प्लस ओ 180 होता है, इस सिचुएशन में ए प्लस ओ 180 होता है। समझे, समझे, ठीक है, ओके। और आप जानते हैं कि अगर ये एंगल को x माना जाए, ये एंगल को अगर x माना जाए तो x प्लस सी प्लस ओ भी 180 होगा, x प्लस सी प्लस ओ भी 180 होगा। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है भाई, है ना, तो ओ यहां से कितना होगा 180 माइनस 180, या फिर एक काम करते हैं हम ये O के जगह ये लिख देते हैं 180 माइनस A, ये O के जगह हम क्या लिखेंगे यहां से 180 माइनस A। तो X प्लस C प्लस 180 माइनस A इज इक्वल टू 180, 180 ने 180 को मार डाला,
तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, a उधर गया तो प्लस a हो गया, c उधर गया तो माइनस c हो गया। वाओ, यानी ये एंगल कितना आ रहा है, a माइनस c, वेरी गुड, a माइनस c, वेरी गुड। किसको वेरी गुड सर? अरे मुझे खुद को वेरी गुड। ये अगर इक्वेशन वन है तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो हम क्या लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। एंड व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो हम क्या लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वन बाई म्यू। याद है आपको? और दोनों टाइम में आपको म्यू किसका लिखना है, डेंसर मीडियम का। चलिए तो फर्स्ट केस में आई कितना है, आई मैक्स है, आई कितना है, आई मैक्स है, और आर कितना है, आर ए माइनस सी, और म्यू कितना है, अंडर रूट सेवन बाई थ्री। चलिए दूसरे केस में, यानी इस सरफेस पर आई कितना है, सी, और आर कितना है, 90, और म्यू कितना है, रूट सेवन बाई रूट थ्री, यानी उल्टा हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से आई मैक्स निकाला जा सकता है, है ना, यहां से आई मैक्स निकाला जा सकता है, साइन आई मैक्स अपॉन साइन ए माइनस सी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं साइन 90 अपॉन साइन सी। वाओ, कैसे? अबे ये अगर रूट सेवन बाई थ्री है, ये अगर रूट थ्री बाई सेवन है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये रेशियो इसका उल्टा रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब साइन 90 हो जाएगा 1, तो मैं इस कंक्लूजन पे आऊंगा कि साइन आई मैक्स इज इक्वल टू साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी, है ना, साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी। बढ़िया, आगे क्या कर सकता हूं, चलिए देखते हैं। आगे मैं कर सकता हूं साइन ए माइनस सी को मैं लिख सकता हूं, एक काम कर सकता हूं, मैं अलग से साइन सी निकाल लेता हूं। हां, मैं अलग से साइन सी निकाल लेता हूं। याद है आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, वन बाय म्यू, साइन सी इज इक्वल टू वन बाय म्यू, है ना। तो साइन सी इज इक्वल टू वन बाय म्यू, कोई फायदा नहीं हो रहा उससे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, टेंशन मत लो। वन बाय म्यू मतलब रूट थ्री बाय सेवन, यानी साइन सी की जगह मैं रूट थ्री बाय सेवन लिख सकता हूं, और मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए साइन आई मैक्स इज इक्वल टू साइन ए माइनस सी को मैं लिखूंगा साइन ए कॉस सी माइनस साइन सी कॉस ए। और अगर मुझे साइन सी पता है तो मुझे कॉस सी भी पता होगा, कैसे, वन माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, वन माइनस थ्री बाय सेवन हो जाएगा फोर बाय सेवन, तो कॉस सी कितना आ रहा है, कॉस सी आ रहा है अंडर रूट फोर बाय सेवन। बढ़िया, और ए कितना है, 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके नीचे क्या था, साइन सी, तो इसके नीचे था साइन सी, इसके भी नीचे था साइन सी, साइन सी साइन सी कैंसिल। साइन 60 कितना होगा, रूट थ्री बाई टू, कॉस सी कितना होगा, रूट फोर बाई सेवन, माइनस कॉस 60 कितना होगा, वन बाई टू, और साइन सी कितना है, रूट थ्री बाई सेवन।
साइन सी कितना है, रूट थ्री बाय सेवन। तो गौर से देखिएगा, रूट सेवन कैंसिल हो गया, रूट थ्री कैंसिल हो गया, और टू और रूट फोर कैंसिल हो गया, क्योंकि रूट फोर भी टू होता है। ये सब कैंसिल हो गया, वन माइनस हाफ इज हाफ, तो साइन आई मैक्स इज हाफ। तो आई मैक्स कितना आया, साइन आई मैक्स अगर हाफ आ रहा है तो आई मैक्स कितना है, 30 डिग्री। जा जा बाप रे, इसका मतलब आप 30 डिग्री से ऊपर एंगल नहीं दे सकते। देखिए ये सब मैथ्स है, इसके पीछे अपना दिमाग मत भिड़ाइएगा, दिमाग भिड़ाइएगा ये सब के पीछे, कि जब ये क्रिटिकल एंगल होता है, ए प्लस ओ 180 होता है, उससे हमने पता कर लिया। अब आप डायरेक्ट अगले क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, आप ये एंगल का जगह डायरेक्ट लिखना ए माइनस सी डायरेक्ट, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को आप दोबारा देखो, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम डिविएशन। देखिए, इससे ज्यादा अगर आई नहीं हो सकता तो डिविएशन भी मैक्सिमम ही होगा। तो अगर मैंने इमरजेंट रे को वापस पीछे भेजा तो ये आपका मैक्सिमम डिविएशन है। अब ये कैसे पता करूंगा मैं, वेरी गुड। देखिए, मुझे मालूम है डिविएशन का फॉर्मूला है आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, ग्रेट, आपको ही मालूम है, यही फॉर्मूला था ना डिविएशन का, वीडियो देख लीजिए दोबारा। अब आई कितना है, आपको मैक्सिमम डिविएशन पूछ रहा है, तो आपको आई का भी मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा, वो कितना है 30। ई कितना है, अरे रे ये ई है रे 90। आर वन कितना है, ए माइनस सी, और आर टू कितना है, सी, सी ने सी को मार डाला। तो 30 प्लस 90 माइनस 60, तो 120 माइनस 60, 60 आंसर। इसका मतलब इस प्रिज्म में मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल 30 पॉसिबल है और मैक्सिमम डिविएशन 60 पॉसिबल है। ना इससे ज्यादा डिविएशन होगा, क्योंकि ना इससे ज्यादा इंसिडेंट एंगल होगा। तो प्लीज 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 आई डू हम्बल रिक्वेस्ट टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, दोबारा मैं यही क्वेश्चन समझाऊंगा, उससे अच्छा आप इसको दोबारा तिबारा देख लो, और हो सकता है कि आप इससे बेटर और इजी मैथ्स लगा के सॉल्व करो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है, इसका इंक मर गया है। अगला क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एंगल ऑफ ए दिया हुआ है 75 और ये नॉर्मल, इंसिडेंट आया 45 डिग्री पे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। तो बेटा ये वाला एंगल होगा आर वन, उसको उसने आर बोला है, ये वाला एंगल होगा आर टू, उसको उसने आर डैश बोला है, और ये वाला एंगल को उसने बराबर ई बोला है, और जब हम इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये डिविएशन एंगल को उसने बराबर डेल बोला है। तो बोल रहा है कि फाइंड आर आर डैश ई एंड डेल। अब ये कैसे हो पाएगा, ये हो पाएगा क्योंकि उसने हमको म्यू भी दिया है, म्यू इज रूट टू, हो सकता है, आराम से हो सकता है। साइन आई बाय साइन आर रेयरर टू डेंसर इज इक्वल टू म्यू, साइन आई बाय साइन आर रेयरर टू डेंसर इज इक्वल टू म्यू। आई कितना है 45, साइन आर, म्यू कितना है रूट टू, साइन 45 कितना होता है बाबू 1/√2, रूट टू इंटू रूट टू टू, तो साइन आर इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1/2, तो यहां से आर कितना हुआ 30, ये यिप्पी आर मिल गया 30। अच्छा चलिए अच्छी बात है, अब अगर आर मिल गया है तो ये एंगल भी मिल जाएगा, क्योंकि ये और ये मिला के 180 होना चाहिए, इसका नाम ओ दे देते हैं। तो ए प्लस ओ
इज इक्वल टू 180, तो O इज इक्वल टू 180 माइनस A, 180 माइनस 75 इज 60, नहीं इज 85, नहीं कैसे कुछ भी क्या 105, तो एंगल O मिला 105, और किसी ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल मिलाकर 180 होता है, तो R प्लस R डैश प्लस एंगल O इज 180, तो R डैश इज इक्वल टू 180 माइनस R विच इज 30 माइनस O विच इज 105, तो R डैश इज इक्वल टू 180 माइनस 135, R डैश इज इक्वल टू 45, यिप्पी R डैश भी मिल गया, ग्रेट। अब R डैश अगर मिल गया तो E भी मिल जाएगा और उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये 45 हुआ तो ये 30 हुआ, अब अगर ये 45 हो रहा है तो ये 30 होगा, है कि नहीं? क्योंकि आप इस वक्त क्या करेंगे, डेंसर टू रेयरर सोच के क्या करेंगे, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, अब साइन आई है R डैश और R डैश है 45, तो साइन 45 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, ओ माय गॉड, ये अगर 45 हुआ तो ये 30 हुआ, तो ये अगर 45 होगा तो ये 30 होना चाहिए ना, ऐसा क्या गलती कर दिया मैंने, यहां R कौन है, E है, अरे दादा 1 बाय म्यू रूट टू कैंसिल हो गया रे, गलत हो गया रे मेरा, 45 हुआ तो ये 30 हुआ बराबर है, अब ये 30 हुआ और ये 75, 5 5 10 7 1 8, ये 105 135 135 180 से 135 गया तो 45 10 से 5 गया 5 45 तो ये R आ गया 45, अब साइन 45 1 बाय रूट 2 को जान दो यार, मैं गलत हो गया, 30 नहीं होगा, साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2 साइन E इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट टू कैंसिल हो गया, तो साइन E आ रहा 1, जिसका मतलब E है 90, अरे दादा इसका मतलब ये दूसरा मीडियम में नहीं गया है, ये तो इसी मीडियम में ऐसा करके ग्रेस किया है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल है, ये 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, बराबर है क्योंकि तो हाँ हाँ बराबर है, सब बराबर है। अब डेल हम आराम से निकाल सकते हैं यार, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, और आई प्लस ई कितना होगा, आई है 45, ई है 90, और पिछला क्वेश्चन में याद है ये कितना हुआ था, ए माइनस सी और ये ए, तो ए माइनस सी प्लस ए हो जाएगा, अपन एक काम करते हैं डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, आर कितना है 30 और R2 कितना है 45, देखा A हो गया 75, तो 135 माइनस 75 तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, वेरी गुड। तो अच्छा हुआ, एक अच्छा सीख मिला मुझे, ये 45 तो ये 30, तो ये 30 ये 45 तो ये 30 नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, ये 45 तो ये 30 ऑफकोर्स नहीं होगा, मैं पागल हो गया था। ओके समझा आपको ये क्वेश्चन, इसको भी दोबारा देखिएगा, एक बार तो भी देखिएगा एक्स्ट्रा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं टेंशन इस बात का है मुझे कि बाजू में जो बिल्डिंग टूट रहा है उसका ड्रिल अगर शुरू हो गया तो रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, इस बात के टेंशन से दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब होगा, जो लंच टाइम है उनका 1 से 2। ओके नाइस क्वेश्चन बेटा, आपके पास दो प्रिज्म है ऐसे, एक प्रिज्म ऐसे है और एक प्रिज्म ऐसे ही है, और इसका एंगल दिया हुआ है 4 डिग्री, इसका एंगल दिया हुआ है 2 डिग्री, इसके लिए म्यू वी दिया है 1.5 और म्यू आर दिया है 1.4,
इसके लिए म्यू बी दिया है 1.7 और म्यू आर दिया है 1.5 और वो पूछ रहा है फाइंड द नेट डिस्पर्शन एंड नेट डिविएशन। सर आप तो बोले थे डिविएशन होगा तो डिस्पर्शन नहीं होगा, डिस्पर्शन होगा तो डिविएशन नहीं होगा। अबे उसमें उल्टा प्रिज्म था, इसमें दोनों सीधा प्रिज्म है, दोनों ही होगा, डिस्पर्शन भी होगा डिविएशन भी होगा। तो चलो नेट डिस्पर्शन यानी थीटा नेट, तो थीटा नेट इज इक्वल टू इसका थीटा प्लस इसका थीटा, इसका थीटा प्लस इसका थीटा। अब थीटा का फॉर्मूला क्या है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और दूसरा थीटा का फॉर्मूला म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। कोई माइनस साइन नहीं होगा बीच में, मानते हैं ना, दोनों ट्रायंगल सीधा रखा है। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, 1.7 माइनस 1.5 इंटू 4 प्लस 1.7, अरे रे रे 1.5 था ये और ये 1.4 था, 1.7 माइनस 1.5 इंटू 2, एंगल ऑफ प्रिज्म 2, एंगल ऑफ प्रिज्म 4, देख रहे हैं आप। हाँ, तो 1.5 माइनस 1.4 इज 0.1 इंटू 4 प्लस 0.2 इंटू 2, तो 0.4 प्लस 0.4 0.8। तो नेट डिविएशन, नेट डिस्पर्शन कितना होगा, यानी यहां से जो रेड निकलेगा और वायलेट निकलेगा उसके बीच का एंगल कितना होगा, 0.8 डिग्री, बहुत ही तुच्छ एंगल है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेट डिविएशन। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि नेट डिविएशन का फॉर्मूला है इसका डिविएशन प्लस उसका डिविएशन। अब दिक्कत क्या है कि डिविएशन जब आप नेट निकालते हैं तो इसका भी येलो कलर वाला देखते हैं, इसका भी येलो कलर वाला देखते हैं। अब जब आपने येलो कलर का देख लिया है तो आपको फॉर्मूला क्या है डिविएशन का, हाँ, ए इंटू म्यू माइनस वन। अब ध्यान से देखिए, अगर डिविएशन येलो कलर का है तो आपको म्यू भी येलो कलर का लिखना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो बच्चों रिमेंबर, म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर बाय टू इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इफ म्यू वाई इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, म्यू वी एंड म्यू आर आर गिवन, देन फॉलो दिस फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू वाई प्लस ए डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस वन। तो ए कितना है भाई, 4 डिग्री। म्यू वाई का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, म्यू वी माइनस म्यू वी प्लस म्यू आर बाई टू माइनस वन। ए डैश कितना है भाई, 2 डिग्री। और म्यू वाई डैश का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू वी डैश प्लस म्यू आर डैश बाई टू माइनस वन। तो प्लीज सारे वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकालिए, नो मोर टाइम टू कैलकुलेट, सारे वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकालिए। सब दिया है, म्यू वी म्यू आर म्यू वी डैश म्यू आर डैश। और बताइए मुझे आपको समझा कि नहीं समझा, बड़ा मस्त क्वेश्चन था, सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन था, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद होगा तो ही इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, थीटा का फॉर्मूला ऐसा होता है और डिविएशन का फॉर्मूला ऐसा होता है, ए इंटू म्यू माइनस वन, समझे। एक बार तो लाइव सेशन में पूछा मैंने, डिविएशन का फॉर्मूला बताओ रे, तो बोलता है 180 माइनस 2i। अबे पगला, ये प्लेन मिरर के लिए है, ये प्लेन मिरर के लिए है, यानी प्लेन रिफ्रैक्शन के लिए है, ये मिरर नहीं, प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे हम लोग, कंडीशन वाला, ताकि आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो जाए। बोल रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म नंबर वन, प्रिज्म वन जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है 4 डिग्री, और उसके लिए म्यू वी है 1.42, उसके लिए म्यू आर है 1.35 और उसके लिए म्यू वाई है 1.4। अच्छा है, चलो सब दे दिया,
और दूसरा प्रिज्म है उसके लिए म्यू वी है 1.9, उसके लिए म्यू वाई है, म्यू आर है 1.8, और उसके लिए म्यू वाई है 1.8, उसके लिए 1.7। तो पूछ रहा फॉर नो डिस्पर्शन फाइंड ए टू। ग्रेट क्वेश्चन इज फॉर नो, वो लगा था मुझे क्योंकि यहां पर ए डैश नहीं दिया है ना, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया है, देखो इसका दिया है 4 डिग्री। तो फॉर नो डिस्पर्शन फाइंड ए डैश। तो आई होप यू डू रिमेंबर डिस्पर्शन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन के लिए फॉर्मूला था ए डैश बाई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। यही फॉर्मूला था कि कुछ और भी था? नहीं, यही था। हाँ, नो डिस्पर्शन यही था, यही था। तो हम ए डैश निकाल सकते हैं यार, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ए कितना है 4, म्यू वी कितना है 1.42 माइनस 1.35, म्यू वी डैश कितना है 1.9 माइनस 1.7। सॉल्व कर लो यार आंसर, आंसर माइनस में ही आएगा तुम्हारा, आने दो ना। दूसरा प्रिज्म उल्टा है ना बे, दूसरा प्रिज्म उल्टा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस में ही आएगा। 1.12 से 5 गया 7, 3 से 3 गया 0, 1 से 1 गया 0, अच्छी बात है। 1.9 माइनस 1.7 0.2, तो ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 0.7 बाई 2, एक एक पॉइंट खा लिया मैंने, 4 टू 1.4 डिग्री। सो दूसरे प्रिज्म का एंगल हो जाएगा, माइनस साइन को अगर छोड़ दिया तो 1.4 डिग्री, माइनस साइन मतलब उल्टा रखा है प्रिज्म, समझे। फिर पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द नेट डिविएशन, मुझे लगा ही था वो तो पूछेगा ही, ऑल्सो फाइंड द नेट डिविएशन। और अभी अभी हमने क्या बात किया था कि डिविएशन के फॉर्मूला में वाई आता है, येलो आता है, तो नेट डिविएशन इज इक्वल टू इसका डिविएशन प्लस उसका डिविएशन, येलो कलर वाला। और फॉर्मूला था उसका डिविएशन पहले वाले में इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। हमको तो ओमेगा पता ही नहीं है, हे भगवान, अलग अलग करते हैं। डिविएशन का फॉर्मूला है a इंटू म्यू वाई माइनस 1, और दूसरे का डिविएशन का फॉर्मूला होगा a डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस 1। और ध्यान से जब आप a डैश पुट कीजिएगा तो कृपया करके माइनस b पुट कीजिएगा। हाँ, तो a कितना है 4, म्यू वाई है 1.4 माइनस 1, और ये कितना आया माइनस 1.4, और म्यू वाई डैश कितना है 1.8 माइनस 1। तो सॉल्व कर दीजिए, 4 इंटू 1.4 माइनस 1 इज 0.4 माइनस 1.4 इंटू 1.8 माइनस 0.8, तो 4 इंटू 0.4 इज 1.6 एंड 14 एट्स का कितना होता है 4 एट्स का 32, 3 1 1 2। अरे रे रे रे, टेबल भूल गया रे मैं, 4 8 4 का 32, 8 3 11 1 1 2, तो 1 1 2, 1.12 कितना हुआ 1.6 माइनस 1.12, 1.6 माइनस 1.12 कितना होगा 10 से 2 गया तो 8, 5 से गया तो 4, 0, 0.48। सो दिस इज द नेट डिविएशन। तो होप सो कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करेंगे और थ्योरी को समझने का कोशिश करेंगे। कल ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको और भेजूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। मजा आ गया क्वेश्चंस करने में, मजा आ गया।